अस्सलाम वालेकुम। लेट्स रिवाइज कि हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या कवर कर चुके थे इन चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंशिया विच मीन्स नॉलेज, यानी कि साइंस जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इट्स नॉट ग्रीस, इट्स नॉट ग्रीक, इट्स लैटिन। साइंशिया इसका मतलब है इल्म, नॉलेज, ठीक है। दिस नॉलेज इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि साइंस के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी इल्म हमारे पास हासिल किया हुआ है, वो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने हासिल किया है। हम लोग बगैर किसी प्रूफ के कोई बात साइंस के अंदर नहीं कर सकते। अब साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बट द ब्रांच दैट विल बी स्टडिंग इज केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग कंपोजिशन यानी बनावट किस चीज़ से बनी हुई है, स्ट्रक्चर यानी कि उसका शेप कैसा है, प्रॉपर्टीज उनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं, एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर यानी कि वो दूसरे चीज़ों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, किस तरह से उसके साथ रिएक्शन शो करता है। ये तमाम चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री के अंदर शो स्टडी कर रहे होते हैं। क्या चीज़? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। इन चारों चीज़ों को बेसिकली हम मैटर को ही स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन मैटर के अंदर हम लोग उसकी कंपोजिशन, बनावट, उसका शेप, स्ट्रक्चर, उसकी खसूसियात, प्रॉपर्टीज, उसका इंटरेक्शन यानी कि उसका ताल्लुकात जो है डिफरेंट मैटर के साथ वो क्या है, उन सारी चीज़ों का हम मैटर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद वी कवर्ड अ बिट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले एरिस्टोटल प्रपोज द आइडिया ऑफ सब्सटेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म एंड डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ फोर एलिमेंट्स, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। अब इन्होंने सबसे पहले एक कंसेप्ट दिया था कि तमाम चीज़ें मैटर की बनी हुई हैं जो कि चार एलिमेंट से बनी हुई हैं। यानी पुराने ज़माने में बिलीफ किया जाता था एरिस्टोटल की वजह से कि दुनिया में सिर्फ चार एलिमेंट से, कौन कौन से, फायर, वाटर, अर्थ और एयर, यानी इन चारों एलिमेंट्स को ही कंबाइन करके हम लोग कोई न्यू चीज़ तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्लेटो। प्लेटो प्रपोज टर्म एलिमेंट्स एज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज फॉर पर्टिकुलर शेप। यानी कि एरिस्टोटल ने क्या किया, मैटर को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और फिर प्लेटो ने एलिमेंट्स वर्ड जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक यानी जानदार और इनऑर्गेनिक यानी बेजान चीज़ों से कंबाइन करके तैयार किया जाता है। एंड देन वी हैव डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने एटम का आइडिया दिया, यानी सबसे पहले एरिस्टोटल ने कहा कि तमाम चीज़ें मैटर की बनी हुई हैं, फिर उसको और डिवाइड करके और सिंप्लीफाई किया प्लेटो ने, कहा कि नहीं, तमाम चीज़ें एलिमेंट से बनी हुई हैं। फिर डेमोक्रेटस ने कहा कि नहीं, तमाम चीज़ें एटम की बनी हुई हैं जिसको और डिवाइड नहीं कर, जिसको और तोड़ नहीं सकते। यानी कि उन्होंने कहा कि सबसे जो छोटी चीज़ है दुनिया में, दैट इज़ एटम, तो इसलिए एटम वर्ड रखा, विच ग्रीक में अगर हम उसका वर्ड देखें वो दैट इज एटोमस, मतलब अनकटेबल या इनडिविजिबल, जिसको और काटा ना जा सकते हो, उसको हम एटम कहते हैं। उसके बाद आ गए मुसलमान साइंसदान जाबर बिन हैया। उन्होंने क्या किया, इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लीड। यानी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाइट लीड को तैयार किया, और उन्होंने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स यानी मेटल्स को साफ करने का तरीकाकार फाइंड किया, डाइंग क्लोज यानी कि कपड़े में रंग डालने का तरीकाकार भी उन्होंने डिस्कवर किया। अब मुसलमान साइंसदान जो है तकरीबन 1000 ईयर्स तक उन्होंने साइंस के, केमिस्ट्री स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया था, लेकिन उनका मकसद बेसिकली ये था कि वो लोग अल्केमी करना चाह रहे थे। अल्केमी में क्या होता है कि वो एक आम से मेटल को गोल्ड में, सिल्वर में, प्लेटिनम में, यानी कोई कीमती मेटल में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। इस पूरे स्टडी को अल्केमी कहते हैं, और तकरीबन 1000 साल मुसलमान साइंसदान ने सिर्फ इसी चीज़ को प्रूव करने में लगा दिया। ये चीज़ प्रूफ तो हो नहीं सकी, इसके बदले आ गया कि जो चीज़ जो है एलिमेंट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, वो किसी और फॉर्म में तब्दील नहीं हो सकता, ये चीज़ प्रूफ हो गई। लेकिन इस चीज़ को प्रूफ करने के चक्कर में मुसलमान साइंसदानों ने बहुत सारे तरक्कियां की, खासकर केमिस्ट्री के अंदर, जिस तरह से उन्होंने असल में उसकी नीयत क्या थी कि उनको जो है गोल्ड बनाना था, लेकिन गोल्ड बनाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा केमिकल तैयार कर लिया जिसके अंदर गोल्ड डिसॉल्व हो सकता है, यानी पानी के अंदर अगर आप सोना डाल देंगे वो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मिला लेंगे एक रेशियो के साथ तो उसके अंदर गोल्ड डालेंगे, गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है।
यानी कि अलकेमी को प्रूव करने के लिए जितने भी मुसलमान साइंसदान हैं उन्होंने 1000 ईयर्स तक ऑलमोस्ट उन्होंने जो स्टडी किया था उसके ऐसे डिफरेंट हमें केमिस्ट्री के अंदर तब्दीलियाँ, उसके अंदर डिस्कवरीज, इन्वेंशन जो मिली हैं वो अलकेमी को प्रूव करने की वजह से मिली हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मुस्लिम साइंटिस्ट है दैट इज अल राजी। अल राजी प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इथाइल अल्कोहल जो हम लोग जो है एंटीसेप्टिक यानी कि जैसे आप लोग जख्म लग जाता है जैसे कि डिटॉल होता है, डिटॉल के अंदर भी इथाइल अल्कोहल मौजूद होता है जो बेसिकली जख्म साफ करने के लिए होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये इथाइल अल्कोहल तैयार किया फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी उन्होंने जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस, यानी इसमें क्या होता है हम लोग जो है फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को जो है सड़ाते हैं जानबूझ के यूजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई और फिर उसमें से हम डिफरेंट केमिकल्स तैयार करते हैं। ओके, सो उन केमिकल्स के थ्रू हम लोगों ने जो अल राजी हैं उन्होंने इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस किया और ये बायोलॉजिकल पर्पस यानी ज़्यादा मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, उसके बाद अल बैरूनी ने क्या किया, उन्होंने डिटरमाइन डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि उन्होंने जो है डिफरेंट जो सब मैटर्स हैं उनके डेंसिटीज को कैलकुलेट किया जो इस जमाने में भी एक्यूरेट होता है, यानी कि अभी भी अगर हम उस चीज़ को वजन करेंगे उसकी डेंसिटी निकालेंगे तो जो अल बैरूनी ने हमें जो डेंसिटी दिया था एक किताब के शक्ल में वो तमाम डेंसिटीज आपस में मैच कर रही होंगी, यानी इतनी उन्होंने एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन की हुई थी। उसके बाद आता है हमारे पास इब्ने सीना। इब्ने सीना ने मेडिसिन में उन्होंने जो है बहुत सारी आपको कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने फिलोसफी में और एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, तो इसमें इन तीनों में उनकी कंट्रीब्यूशन मौजूद हैं। उसके बाद आता है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल जो है इट्स ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, इस वक्त जो केमिस्ट्री में जो ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं वो इसकी वजह से आई हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री को एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि आपको जो है एविडेंस ढूंढना होता है, प्रूफ ढूंढना होता है कि ये क्राइम किसने किया था। वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर अगर आप कोई चीज़ देना चाह रहे हैं, कोई चीज़ प्रूफ करना चाह रहे हैं तो आपको एविडेंस शो करना है। एविडेंस कैसे हो सकता है, या तो आप कोई जो है फिजिकल प्रूफ लेके आएँ यानी कि आप दिखाएं कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ये चीज़ हो रही है, या फिर आप मैथमेटिकल प्रूफ दें, यानी मैथमेटिकली अगर वो चीज़ प्रूफ हो रही है तो आप जो है केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर उसको अप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने गैसियस लॉ दिए जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के नाम से। ठीक है, ये आप लोग लॉ जो है आप फिजिक्स के अंदर आप लोग स्टडी करेंगे जो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। सो यानी ओल्ड केमिस्ट्री एंशियंट केमिस्ट्री के जो फादर हैं दैट इज जाबर बिन हयान। ओके, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो बुनियाद डाली केमिस्ट्री की। एंड देन इन द मॉडर्न केमिस्ट्री वी हैव रॉबर्ट बॉयल जो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं। नेक्स्ट इन वी हैव जे ब्लैक, जोसेफ ब्लैक। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड पे स्टडी किया एंड ही वाज स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखते हैं। आफ्टर दैट वी हैव जे प्रिस्ली। जे प्रिस्ली ने क्या डिस्कवर किया, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, यानी ऑक्सीजन मौजूद था पहले से ही। उन्होंने बताया कि हमारे एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड को डिस्कवर किया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड को डिस्कवर किया यानी कि उन्होंने बताया कि इसकी मौजूदगी प्रेजेंट है। एंड देन वी हैव शील। शील डिस्कवर्ड क्लोरीन, उन्होंने क्लोरीन को डिस्कवर किया। एंड देन कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, उन्होंने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो वाटर बनाने में बहुत काम आता है तो इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन रख दिया। हाइड्रो मीन्स वाटर, जेन मीन्स प्रोड्यूसर, तो इस लिहाज से उन्होंने हाइड्रोजन नाम रख दिया इसका। एंड देन वी हैव लव्यूजर। लव्यूजर ने कहा कि ऑक्सीजन जो है एयर का 1/5 हिस्सा है, यानी कि ऑक्सीजन डिस्कवर तो जे प्रिस्टली ने किया था कि ऑक्सीजन मौजूद है, एक ऐसा एलिमेंट है एयर के अंदर जो हमें सांस लेने में मदद करता है दैट इज ऑक्सीजन। बट लव्यूजर ने कहा कि ऑक्सीजन की मिकदार अमाउंट एयर में कितनी है, 1/5, ये लव्यूजर ने बताया हमें। फिर उसके बाद जॉन डेल्टन आते हैं। जॉन डेल्टन ने हमें एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया। उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि एटम किस तरीके से बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, यानी पहली जो स्टेप यानी पहले जो ईंट डाली गई थी एटॉमिक थ्योरी की वो जॉन डेल्टन ने हमें दी थी। एंड देन वी हैव गे ल्यूज़ेक। डिस्कवर्ड दैट वाटर इज कम्पोज ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, यानी उन्होंने वाटर का फॉर्मूला बताया दैट वाटर का फॉर्मूला है H2O। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर किया सेवरल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड अदर गैसेस, यानी उन्होंने गैसेस के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बताए। उन्होंने पहले ये बताया कि वाटर बना हुआ है H2O से, यानी दो हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है,
और एयर के अंदर कौन कौन से गैसेस मौजूद हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई उन्होंने। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि वो किस चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, अगर रिएक्ट करता है तो क्या वो धमाके के साथ रिएक्ट करता है या स्लो रिएक्ट करता है, वो चीज़ें बताते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ये बताते हैं कि उसकी शक्ल कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, ये तमाम चीज़ें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें गेल ल्यूसेक ने हमें बताई थी, दो चीज़ें, एक वाटर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले ये बताया। सेकंड उन्होंने क्या बताया, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर के अंदर जितने भी गैसेस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई। एंड देन वी हैव अवोगाड्रो, अवोगाड्रो ने अवोगाड्रोस लॉ दिया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आम जबान में कि अगर आप कोई भी इक्वल वॉल्यूम लेंगे गैसेस के और उसका टेम्परेचर प्रेशर को सेम रखेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, यानी आप लोगों ने अवोगाड्रोस लॉ में देखा था कि उन्होंने एक कॉन्स्टेंट नंबर दिया हुआ था, दैट इज 6.02 × 10^22। उन्होंने ये एक फिक्स नंबर दे दिया कि अगर आप कोई भी एक वॉल्यूम ऑफ गैस लेंगे, आप फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैस लेंगे उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम रखेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल स्टे सेम। तो यानी उन्होंने जो है बेसिकली उन्होंने जो लॉ दिया था ये वाला, उन्होंने मैथमेटिकल प्रूफ देकर दिया था, तो इसलिए उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था, बट स्टिल बिकॉज मैथमेटिकली इट्स ट्रू, इसलिए उसका जो लॉ था उसको लॉ कंसिडर करते हैं हम लोग। एंड देन वी हैव जैकस चार्ल्स, उन्होंने भी गैस लॉ दिया था जो आप अगेन फिजिक्स में पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ के नाम से, कि गैस जो है किस तरह का बिहेवियर रखता है, उन्होंने उस लिहाज से टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम की बुनियाद पर उन्होंने एक लॉ दिया हुआ था चार्ल्स लॉ, जो आप लोग फिजिक्स के अंदर कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव पेटिट, व्हाट डिड पेटिट डू, ही डिटरमाइंड द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स, यानी कि उन्होंने जो है डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के बता दिया कि उनके मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी है, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट में बेसिकली ये होता है, उसका मेन आइडिया ये है कि किसी भी चीज़ को गर्म होने में, लाइक बॉयल होने में या मेल्ट होने में या हीटअप होने में कितना टाइम लगता है और कितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस तमाम कैलकुलेशन को जो है उन्होंने डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के उन्होंने कैलकुलेट करके बताया हमें। एंड देन वी हैव जे जे बर्जीलियस ने ही इंट्रोड्यूस सिम्बल्स, लाइक उन्होंने पूरा तरीका बताया कि सिम्बल्स को किस बुनियाद पर, उन्होंने रूल्स बताए, लाइक हम लोग लैटिन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ग्रीक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वन लेटर यूज़ करेंगे तो कैपिटल होगा, टू लेटर्स यूज़ करेंगे तो फर्स्ट वाला कैपिटल होगा, सेकंड वाला स्मॉल होगा, यानी उन्होंने पूरा जो केमिकल्स के जो सिंबल्स हैं CaFe जितने भी सिंबल्स हैं उनके उन्होंने रूल्स जो है उन्होंने उसकी फाउंडेशन उन्होंने तैयार किया। उसके बाद फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि H2O है तो 2 छोटा सा हम लोग नीचे में राइट में लिखेंगे, ठीक है, तो यानी उन्होंने ये पूरा तरीकेकार जो है उन्होंने बर्जीलियस ने इन्वेंट किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। केमिकल इक्वेशन का तरीका कैसा होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या शो करेगा, राइट हैंड साइड क्या शो करेगा, दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग एरो यूज़ करेंगे, उसको अगर वो एंडोथर्मिक है तो उसको हम लोग हीट कहाँ पे शो करेंगे, एक्सोथर्मिक है तो हीट कहाँ पे शो करना है हमें, तो ये पूरा का पूरा तरीकाकार यानी सिंबल से लेकर इक्वेशंस तक पूरा स्टेप पर उन्होंने रूल्स जो उन्होंने बताया है सारा का सारा जे बर्जीलियस ने हमें दिया। एंड देन वी हैव मेंडेलीव, मेंडेलीव में हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे मेंडेलीव की स्पेलिंग गलत है, ये होता है MENDELEEV, ठीक है, तो मेंडेलीव की स्पेलिंग इसमें यहाँ पे करेक्शंस की जरूरत होगी। एंड देन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर्ड पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी मेंडेलीव से पहले भी लोगों ने काफ़ी सारे तरीका बताए थे कि एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो उन्होंने भी मेंडेलीव ने उसी चीज़ को स्टडी करके उन्होंने और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने अरेंज करके दिया, यानी कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ग्राफ के थ्रू अरेंज किया, उन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने म्यूजिक का इस्तेमाल किया अरेंज करने के लिए, तो मेंडेलीव ने तमाम नॉलेज को, तमाम चीज़ों को जो उन्होंने डिस्कवर किया था उसी की बुनियाद में उन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल हमें अरेंज करके दिया। आफ्टर दैट वी हैव आर्हेनियस, आर्हेनियस प्रपोज एसिड बेस थ्योरी, यानी उन्होंने एसिड और बेस की उन्होंने जो है सबसे पहले बुनियाद डाली कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एंड आयंस डिसएसोसिएशन, यानी कि जो एलिमेंट्स जब टूट जाते हैं तो वो आयंस जो तैयार होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ये सारी चीज़ें आर्हेनियस ने इंट्रोड्यूस किया। आफ्टर दैट वी हैव माइकल फैराडे,
माइकल फैराडे ने क्या किया, उन्होंने स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी उन्होंने ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या चीजें हम लोग इन्वेंट कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। और फिजिक्स के अंदर इनकी अहमियत जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आती है, केमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग उसको स्टडी कर रहे होते हैं, जो आप लोगों ने लास्ट ईयर इनके टू लॉज पढ़े हुए थे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे ने ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस किया कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या कारनामे हैं। आफ्टर दैट वी हैव जे जे थॉम्सन। जे जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यानी कि उन्होंने ये पता किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जो बिजली होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से हो रही है। यानी जो फर्स्ट एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल है, सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था सब एटॉमिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में से सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो इलेक्ट्रॉन हुआ था, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जे जे थॉम्सन है। आफ्टर दैट वी हैव नील बोर। नील बोर प्रपोज द थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, यानी उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं क्वांटम, ठीक है। तो वो उनको स्टडी, यानी उन्होंने जो है हीट की, क्वांटम बेसिकली जो है एनर्जी को यूज करते हुए उन्होंने हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया, और फिर हमें एटम्स का बताया कि एटम्स किस तरह से बने हुए। यानी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर फिट करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डालते हैं, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे, ये सारा का सारा नील बोर ने क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए हमें एक्सप्लेन किया। नील बोर का टीचर रदरफोर्ड, उन्होंने क्या दिया हमें, पोस्टुलेटेड द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसे, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या, यानी कि उन्होंने बता दिया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें मौजूद है और न्यूक्लियस के बाहर क्या चीजें मौजूद है। उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट उन्होंने बता दिया था हमें कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहा होता है। और फिर उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा इवॉल्व जब किया, तो उसमें उनको अल्फा बीटा रेज का पता चला, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेज का पता चला। और फिर उसी थ्योरी को उन्होंने, उसी एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए उन्होंने बताया लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लगातार एनर्जी छोड़ रहे होते हैं, उनको रेडियो एक्टिव कह रहे होते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी जो एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। तो वो कितना वक्त लगता है, कितने कौन से एलिमेंट को कितना वक्त लगेगा खत्म होने में उसकी एनर्जी को, उसको रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। ये भी अगेन फिजिक्स का टॉपिक है कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोग नेक्स्ट ईयर कवर करेंगे, ठीक है। तो वो पूरा लॉ, उसकी पूरी फॉर्मूला, उसकी पूरी कैलकुलेशन किस तरीके की जाएगी, वो रदरफोर्ड ने हम लोगों को डिस्कवर करके प्रपोज करके बताया था। आफ्टर दैट वी हैव श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने क्या किया, ही प्रपोज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी कि जो हमें एटम्स मौजूद हैं, हमें जिसका मॉडल जो मौजूद है, जो हमें पता है किस तरह से बनाते हैं, उसको और उसने इम्प्रूव किया। तो उनकी जो इम्प्रूव वाले मॉडल को हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो हायर क्लासेस में आता है। आफ्टर दैट वी हैव डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लाइट होती है, उसकी दो दो तरीके से वो मूव करता है, या तो वो जो है वेव के फॉर्म में मूव कर रहा होता है, या फिर वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में मूव कर रहा होता है, जो अगेन आप लोग फिजिक्स के अंदर कवर करेंगे। यानी बेसिकली डी ब्रोगली ने कहा कि जो लाइट है वो दो फॉर्म में मूव कर रही होती है, आइदर वो वेव के फॉर्म में मूव करेगी या फिर एनर्जी पैकेट के फॉर्म में। आफ्टर दैट वी हैव स्टैंड्रा नेथ बोस, जिन्होंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन्वेंट किया था, प्रपोज किया था। आफ्टर दैट वी हैव अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट के अगेन हमने बता देते हैं, अल्बर्ट में ए होता है, और तो उनकी ये, इन्होंने ये टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा अपने पास। इन्होंने जो है स्टैंड्रा नेथ बोस के साथ मिलकर इन्होंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था। एंड देन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हेनरी कॉर्नेल एंड कार्ल वीमैन ने तैयार किया था, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी वी हैव टोटल फाइव स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो वी हैव फाइव स्टेट ऑफ मैटर। जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वो स्टैंड्रा नेथ बोस ने और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर बनाया था, प्रपोज किया था, तैयार किया था। एंड देन जो फिफ्थ है वो हेनरी कॉर्नेल एंड कार्ल वीमैन ने मिलकर तैयार किया था। आफ्टर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री वी हैव डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन पहले भी आपको बताई थी, इट्स ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद प्रॉपर्टीज कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन्वॉल्व, यानी इसके इंटरेक्शन को स्टडी करता है मैटर के अंदर। अब केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, केमिस्ट्री कुकिंग में इस्तेमाल होता है, ईटिंग में, डाइजेशन ऑफ फूड में, ठीक है। यानी कि खाने को किस तरीके से, कैसे पता चलेगा कि कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट जो है सही से पका हुआ है, कोई गोश्त जो है सही से पका हुआ है, वो सारे हम लोग केमिस्ट्री के थ्रू हमें आइडिया होता है उस चीज से।
उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स. कंस्ट्रक्शन में सीमेंट केमिस्ट्री की वजह से हमें मिला है. क्लीनिंग के लिए हमें फिनाइल हमारे जो है वो केमिस्ट्री की वजह से मिला है. हार्पिक हमें केमिस्ट्री की वजह से मिला है. साबुन हमें केमिस्ट्री की वजह से मिला है. वॉशिंग के लिए भी आपको जो सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑल रोल ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की वजह से हमें मिली है. प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से हमें अच्छे अच्छे प्लांट्स मिलते हैं जिनकी पैदावार फास्ट होती है और उनकी जो पैदावार होती है अच्छी होती है. ग्लास, शीशा. इसके अलावा हमारे पास प्लास्टिक और सिंथेटिक पाया. प्लास्टिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्लास्टिक जो है इसमें डिफरेंट काइंड के प्लास्टिक्स हैं. लाइक शॉपर बैग होगी आपके पास, या आपके पास जो है डिफरेंट ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, आपका रिमूवर हो गया, वो सब कुछ प्लास्टिक से बना हुआ होता है. इवन जो वायरिंग के ऊपर जो कवरिंग होती है वो भी प्लास्टिक थ्रू यूज करते हैं. सिंथेटिक फाइबर हमारे पास है. लाइक सिल्क बहुत महंगा है तो उसकी रिप्लेसमेंट में रायन तैयार कर लिया हम लोगों ने. पॉलीमर्स यानी कि हम लोगों ने डिफरेंट कंपाउंड्स, बड़े बड़े कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मुला तैयार कर लिया. सेरेमिक्स यानी कि मिट्टी के मटके से जो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो सेरेमिक्स में आते हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोल से जो हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, लाइक कॉस्मेटिक्स वगैरह हो जाता है उसके अंदर आ जाता है. उसके अलावा लोशंस वगैरह पेट्रोलियम में आ जाता है. तो यानी पेट्रोल से जो भी चीज़ें बनाते हैं दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. सोप जो है आ जाता है आपके पास. डिटर्जेंट्स में लाइक सर्फ आ जाता है, हार्पिक आ जाता है और फिनाइल आ जाता है. ये सब के सब हम लोगों ने केमिस्ट्री को ही इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है. आफ्टर दैट वी हैव द डिजीजेस ट्रांसमिटेड टू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो गंदा पानी जो हम पीते हैं, द डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर एज कोलेरा, टाइफॉइड, डायसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन. तो यानी कि जो पानी को हम लोग साफ करते हैं क्लोरीन के थ्रू, ताकि हमें कोलेरा, टाइफॉइड, डायसेंट्री, स्किन और आई इन्फेक्शन ना हो, वो सब कुछ हम लोग वो भी केमिस्ट्री के वजह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं. इवन जो आजकल जो हम लोग साफ कर डिसइंफेक्टेंट्स यूज कर रहे हैं, क्लोरॉक्स एंड ब्लीच, उसके अंदर भी क्लोरीन होता है. ठीक है, तो यानी पैथोजेनिक जो हमें नुकसान देते हैं ऑर्गेनिज्म, उन सब को किल करने के लिए द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज क्लोरीन. ठीक है, नेक्स्ट. द क्लोरीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल विच इज यूज कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड्स. यानी द क्लोरीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल एलिमेंट है जिससे हम लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स तैयार किए हैं, लाइक ब्लीचिंग एजेंट. यानी कि अक्सर जो हम लोग ब्लीच यूज करते हैं, चाहे वो फेस के लिए हो या कपड़ों के लिए हो, उसमें हम लोग क्लोरीन यूज करते हैं. डिसइंफेक्टेंट्स यानी सफाई करने के लिए, लाइक जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो क्लोरीन की जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यानी कि जर्म्स वगैरह किल करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. सॉल्वेंट्स यानी कि ये सोल्यूशन तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है. पेस्टिसाइड्स जो जानवर या जो प्लांट जो है क्रॉप्स को ख़राब करते हैं, लाइक सपोज अगर आप कपास का क्रॉप आप जो है उगा रहे हैं, और तो वो क्रॉप्स जो हैं वो जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स या एक्स्ट्रा प्लांट्स या एनिमल्स जो ग्रो होते हैं क्रॉप्स के इर्द-गिर्द, उनको किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज़ होते हैं. पीवीसी यानी कि प्लास्टिक्स बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड ये यूज़ होता है. लाइक पाइपलाइंस के लिए जो प्लास्टिक बनता है पाइपलाइंस बनाने के लिए, उसके अंदर क्लोरीन इस्तेमाल होता है. ड्रग्स यानी डिफरेंट बहुत सारे जो मेडिसिन्स होते हैं उसके अंदर भी केमिकल्स जो क्लोरीन होता है यूज़ होता है. क्यों यूज़ होता है? अगेन बिकॉज इट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, यानी कि वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव तरीका है दैट इज़ यूजिंग क्लोरीन. ओके, उसके बाद हमारे पास था बेसिक डेफिनेशंस. सबसे पहले मैटर. मैटर इज ऑल अराउंड अस, द एयर यू आर ब्रीथिंग, बुक यू आर रीडिंग एंड द स्टफ यू टच एंड सी. जो मैटर है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है. जब हवा सांस ले रहे हैं, जो आप किताब पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैटर होती हैं. मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास वजन हो और जो जगह लेती हो उसको मैटर कहते हैं. इट इज फाउंड इन थ्री कॉमन स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं वो तीन स्टेट्स में फाइंड किए जाते हैं. वो तीन स्टेट्स में मौजूद होते हैं, या तो वो कोई सॉलिड होता है, या वो लिक्विड होता है, या फिर वो गैस होता है. द प्लाज्मा इज ऑल्सो कंसिडर एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. जो प्लाज्मा है उसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कंसिडर किया जाता है. अब इन चारों में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में और प्लाज्मा में, फर्क किस चीज़ का होता है? एनर्जी का. ठीक है,
एनर्जी का फर्क होता है, इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया कि सबसे कम सॉलिड के पास होता है, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में एनर्जी होती है, लिक्विड से ज्यादा गैस में एनर्जी होती है और गैस से ज्यादा प्लाज्मा में एनर्जी होती है। इन एनर्जी की तब्दीली की वजह से जब ये एनर्जी इंक्रीज होती जाती है तो उसकी वजह से स्टेट ऑफ माइंड तब्दील होता रहता है। यानी सॉलिड में अगर आप एनर्जी इंक्रीज कर देंगे वो पिघल जाएगा, पिघल के लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड में आप एनर्जी इंक्रीज कर देंगे तो भाप बन जाएगा, तो गैसेस बन जाएगा, गैसेस में एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा। तो यानी चारों स्टेट ऑफ मैटर में डिफरेंस किस चीज का है, एनर्जी का है। एनर्जी की डिफरेंस की वजह से हमारे पास चार स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। अब मैटर, मैटर को उन्होंने जो है क्लासिफाई किया हुआ है सब्सटेंस में और मिक्सचर में, फिर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया हुआ है एलिमेंट में एंड कंपाउंड में, जबकि मिक्सचर को क्लासिफाई किया हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर में एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। उसके बाद जो बेसिक डेफिनेशन, सेकेंड बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम, यानी जो मैटर होता है उसमें से जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है दैट इज नोन एज एटम। एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर, यानी आप चाहे सॉलिड ले लें, चाहे आप लिक्विड ले लें, चाहे आप कोई भी आप मैटर ले लें, उसकी बुनियाद एटम्स होती है। यानी एटम से तमाम मैटर्स बने हुए होते हैं और एटम्स की बुनियाद पे ही हमें पता होता है कि उसका शेप कैसा होगा। डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर बताते हैं। नाउ इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स। एटम्स के अंदर तीन पार्टिकल्स है, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो माइनस की निशानी होती है और वो मूव कर रहा होता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव की निशानी होती है, प्लस की साइन होती है और ये मूव नहीं करता, ये बीच में न्यूक्लियस के अंदर रहता है। थर्ड है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास ना नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ये प्रोटॉन के साथ अंदर ही रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मूव क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, सही है। तो ये तमाम चीजें, ये तीनों चीजें मिला के एक एटम बनाते हैं। थर्ड डेफिनेशन है बेसिक डेफिनेशन में मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। यानी एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, जब आपस में केमिकली बॉन्ड करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। वो कैसे बनता है, या तो वो जो है शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है या तो वो अपनी जगह तब्दील कर देता है, या तो वो दूसरे एटम के पास चला जाता है, या एक ही इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग एटम आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से केमिकल बॉन्ड्स तैयार होते हैं, इन केमिकल बॉन्ड्स की वजह से मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहे होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। These bond form as a result of sharing or exchange of electrons among atoms. इसके बाद कह रहा है ये molecules की कुछ types होते हैं, mono, di and polyatomic. Mono मतलब one. आप देख सकते हैं HE के right पे ना left पे कोई number लिखा हुआ है, तो we will consider this as one. AR के right में और left में कोई भी number given नहीं है, so again this is one. KR के राइट में कोई नंबर गिवन नहीं है, सो इट्स 1. XE के राइट में कोई नंबर नहीं है, सो इट इज 1. RN के राइट में कोई भी नंबर नहीं है, सो दैट इज 1. तो यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट के राइट में कोई भी नंबर गिवन नहीं होगा, सो वी विल कंसीडर इट एज 1. तो जिनके 1 एटम्स होते हैं दे आर नोन एज मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फिर लेट सपोज अगर उसके राइट पे 2 लिखा हुआ हो, जैसे N2 के दिया, O2 के दिया, Cl2 के दिया, Br2 के दिया, I2 के दिया, तो 2 को हम लोग ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं डाय, इसे डायमीटर, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो वो डाय लव्स का मतलब है 2, DI डाय का वर्ड का मतलब है 2। सो अगर किसी भी एलिमेंट के साथ 2 उनके पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 गिवन हो, यानी कि 2 एटम्स मौजूद है उसमें, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है और केमिकल फॉर्मूला में भी दिख रहा है कि 2 हैं, दे आर नोन एज डाय। एंड देन नेक्स्ट वी हैव पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि पोली का मतलब है ज्यादा, मोर, ओके। तो पोली वर्ड के हिसाब से अगर 2 से ज्यादा नंबर हमारे पास गिवन है देन दे आर पोली एटॉमिक। अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 1000 है, जितने भी नंबर होंगे 2 से बड़ा, ऑल ऑफ दोस मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे ओजोन का देख लें, O3 है, ठीक है,
फॉस्फोरस का देख लें P4 है, सल्फर का देख लें S8 है। तो यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स है अगर ये सिंगल फॉर्म में होंगे, उसके राइट पे कोई नंबर गिवन नहीं है और वो एक ही एटम मौजूद है, दे आर नोन एज मोनो एटॉमिक। अगर उसके राइट पे टू गिवन है और ये दो एटम्स कंबाइन हुए हुए हैं, दे आर नोन एज डाई एटॉमिक। अगर टू से ज्यादा है, 3 है 4 है 6 है 8 है 12 है 1000 है, तो अगर उसके राइट पे नंबर गिवन है टू से बड़ा और वो, तो वो बन जाता है पॉली एटॉमिक। ओके, सो ये आपके पास थे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन है सब्सटेंस। सब्सटेंस में क्या है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म एज सब्सटेंस। सब्सटेंस अगर किसी चीज में कोई मिलावट ना हो, मैटर एक चीज है ठीक है, कोई भी मैटर है उसके अंदर मिलावट ना हो, एक प्योर फॉर्म में हो, That is known as substance. यानी कि let's suppose आप ले लें कि घर के अंदर नमक है, ठीक है? तो घर के अंदर जो नमक होता है वो pure होता है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, so it's a substance. लेकिन let's suppose अगर आप जो है उसमें मिलावट कर लें, यानी salt के साथ, नमक के साथ कोई और चीज like काली मिर्च डाल लें आप उसके साथ, तो वो substance नहीं रहेगा। यानी कि अगर मिलावट नहीं है किसी भी मैटर के अंदर, then it is known as substance. तो एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। हर सब्सटेंस के पास एक मखसूस कंपोजिशन यानी उसकी बनावट मखसूस होती है, उसके अंदर जो है केमिकल जो होते हैं मखसूस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज भी तब्दील नहीं होती। एवरी सब्सटेंस हैज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उनके पास फिजिकल यानी जो हम देख सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी, उसका कलर, उसका शेप, उसका स्मेल, ठीक है, तमाम ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी किस चीज के साथ रिएक्ट करता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जाती है। उन हर सब्सटेंस के पास अपने अपने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या क्या हमारे पास, सॉल्ट है, डायमंड है, सल्फर है, बेकिंग सोडा है, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, टिन, सल्फर, डायमंड, वाटर, प्योर शुगर, टेबल सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा। सब्सटेंस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज उसमें कोई मिलावट ना हो। आफ्टर दैट वी हैड एलिमेंट। एलिमेंट में क्या है कि एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। जैसे हमने पहले एटम्स के बारे में पढ़ा था कि एटम्स के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस मौजूद है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एटम है, तो वो एलिमेंट कहलाएगा। अगर वो एक से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एटम रखता है तो फिर वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। यानी उसका एटॉमिक नंबर यानी जो एटम का नंबर है वो सेम रहेगा, और वो उसको हम और ज्यादा डिकम्पोज यानी डिकम्पोज का मतलब तोड़ नहीं सकते उसको, ठीक है। तो यानी कि आपने एक ऐसा, आपको एक ऐसा सब्सटेंस मिला है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम है, लाइक कार्बन एटम है सिर्फ। जैसे डायमंड ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल आप बस गिवन है डायमंड की, ठीक है। अब डायमंड में क्या है, इसके अंदर एटम कौन सा मौजूद है, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन एटम इसके अंदर सिर्फ मौजूद है, उसके अलावा कोई और एटम नहीं है। अब उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 के अलावा कोई और उसके बाद नंबर नहीं है, और कार्बन को हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये डायमंड आपके पास क्या हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया। अब सॉल्ट की बात कर लेते हैं। सॉल्ट के अंदर क्या होता है, सोडियम भी होता है और क्लोरीन भी होता है। सबसे पहली चीज, ये सेम टाइप ऑफ एटम से नहीं बना हुआ, ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है। कौन कौन सा, सोडियम एंड क्लोरीन, तो ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम का बना हुआ है। तो दिस इज नॉट एन एलिमेंट। तो एलिमेंट के लिए क्या चीज जरूरी है, नंबर वन सेम टाइप ऑफ एटम, नंबर टू सेम एटॉमिक नंबर, नंबर थ्री cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical reaction. अब एलिमेंट उन्होंने कहा कि now 118 elements have been discovered, total 118 discover हुए हैं, यानी और भी हो सकते हैं, but right now हमें सिर्फ 118 elements का पता है। Majority of elements are solids, यानी जितने भी elements हमने discover किए हैं ज़्यादातर जो है solid form में exist करते हैं। Very few elements are liquid, बहुत कम जो है liquid form में जो है वो available होते हैं। Very few elements are gases, और जो है वो कुछ elements ऐसे हैं जो gases form में होते हैं, ठीक है। तो elements को are divided into metals, non-metals and metalloids on the basis of the properties।
और इन्हीं प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे मेटल्स एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है इन द बेसिस ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहले मेटल जो होगा वो सॉलिड होगा, ठीक है, सॉलिड होगा। इसके अलावा कह रहा है कि वो हार्ड होगा, कह रहा है शाइनी होगा, मैलियबल होगा, फ्यूजेबल होगा, डक्टाइल होगा, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होगी, और इसमें बस यानी ये प्रॉपर्टीज होंगे तो वो मेटल कहलाएगा, ठीक है। अब ज्यादातर सॉलिड होगा, दो ऐसे हैं इस वक्त, सो एक ऐसा है जो इस वक्त सॉलिड फॉर्म में नहीं है, मर्क्यूरी सॉलिड फॉर्म में नहीं है लेकिन वो मेटल है, ठीक है। तो एक के अलावा बाकी सब जो है हमारे पास इस वक्त मेटल सॉलिड फॉर्म में है। हार्ड होगा, सख्त होगा बहुत ज्यादा, शाइनी चमक होगी उसमें, मैलियबल उसको हम जो है हथौड़ा लगा के शेप चेंज कर सकते हैं, फ्यूजेबल उसको जो है मेल्ट कर सकते हैं, डक्टाइल उसको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि उसमें से बिजली भी पास हो सकती है, बिजली भी गुजर सकती है और वो हीट भी गुजर सकता है यानी उसमें से गर्मी भी पास हो सकती है। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर मौजूद है तो ये मेटल होगा कोई भी एलिमेंट। नॉन मेटल के लिए क्या जरूरी है? नॉन मेटल के लिए कह रहा है कि जो भी मेटल के अंदर खसूसियात हैं, हार्ड, शाइनी, मेलियबल, फ्यूजेबल, डक्टाइल, तमाम क्वालिटीज जिसमें नहीं होंगी वो सब के सब नॉन मेटल्स होंगे। क्या चीज? कि उसके पास हीट कंडक्ट नहीं कर सकता वो, यानी हीट उसमें से पास नहीं कर सकती, बिजली भी उसमें से पास नहीं कर सकती, लस्टर भी नहीं यानी वो शाइन भी नहीं करता, ठीक है, और फ्लेक्सीबिलिटी भी उसकी कम होती है। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स कहेंगे। फिर इसके बाद आते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड कह रहा है कि जिनकी प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड सॉलिड नॉन मेटल्स, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आती है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी मौजूद है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी मौजूद है, ठीक है। तो वो तमाम एलिमेंट जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों प्रॉपर्टी मौजूद हो उनको मेटलॉइड्स कहेंगे। तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स है, 118 जो एलिमेंट्स है, उनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलॉइड्स में, ओके। इसके बाद हम लोगों ने कवर किया था हाउ टू राइट अ सिंबल, ठीक है। सिंबल में क्या है कि सिंबल इज एन एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं पाकिस्तान का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कुछ जगह पे पी ए के यूज करते हैं, कुछ जगह पे पी के यूज करते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप रुपीज के शॉर्ट फॉर्म लेंगे तो रुपीज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आर एस, दैट इज शॉर्ट फॉर्म। तो सिंबल्स जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं ये एलिमेंट्स के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी लैंग्वेज से उठाते हैं हम लोग? इंग्लिश से उठाते हैं, लैटिन लैंग्वेज से उठाते हैं, ग्रीक लैंग्वेज से उठाते हैं और जर्मन लैंग्वेज से उठाते हैं। तो हम चार इस वक्त लैंग्वेज यूज करते हैं सिंबल्स को तैयार करने के लिए, एब्रीविएशन तैयार करने के लिए एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब यूजुअली ये वन और टू लेटर का होता है। इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, यानी जो फर्स्ट लेटर होगा हमेशा कैपिटल होगा, और अगर सेकंड लेटर होगा तो फिर वो स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। तीन चीजें, सबसे पहली चीज कि जो सिंबल होता है एलिमेंट का वो चार लैंग्वेजेस से निकालते हैं हम लोग, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन। वो एक या दो लेटर का बना हुआ होता है, अगर एक या दो लेटर का बना हुआ होता है, और जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी तमाम लेटर्स उसके स्मॉल होंगे। सिंबल की बात हो रही है इधर। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला। द केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड रेशियोज ऑफ एलिमेंट्स टू वन अनदर इन अ कंपाउंड, यानी एक कंपाउंड के अंदर, एक चीज के अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं उसका सिंबल यूज करेंगे, और वो कितने मकदार में मौजूद है, यानी कि अगर वो दो मकदार, दो अमाउंट है, तीन अमाउंट है, कितने मकदार में मौजूद है, उस चीज को हम लोग, उस फॉर्मूला को हम लोग केमिकल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला टेल्स अस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड विद सिंबल्स, यानी सिंबल्स के थ्रू ही हम बताते हैं कि कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं और कितने मकदार, कितने रेशियो के साथ वो मौजूद है। एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर का, दैट इज H2O। तो फॉर्मूला से क्या पता चला? सबसे पहले ये पता चला कि इसके अंदर दो टाइप ऑफ एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड हमें ये पता चला कि एच के राइट पे, देखें एच के राइट पे हमारे पास टू है, तो ये वाला टू जो है एच के साथ कंसिडर किया जाएगा, कि यानी हाइड्रोजन जो है टू मौजूद है और ऑक्सीजन वन मौजूद है। क्यों वन है? क्योंकि ऑक्सीजन के राइट पे कोई भी नंबर गिवन नहीं है। सेम यहाँ पे हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं अमोनिया का। अब अमोनिया क्या क्या है इसमें, कि अमोनिया का NH3 है, N के राइट पे कोई नंबर नहीं है, सो देर इज वन, यानी
नाइट्रोजन जो है वो वन आइटम है और एच के राइट पे है थ्री, सो एच जो है उसके थ्री आइटम्स हैं। ठीक है, तो यानी सबसे पहले वो जो केमिकल फॉर्मूला है ये बताएगा हमें कि कौन से एटम्स मौजूद हैं, वो सिंबल देगा, सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो वो सिंबल से हमें पहले बताएगा कि कौन से एटम्स मौजूद हैं, फिर सिंबल के राइट पे जो नंबर हमें गिवन होगा उसके थ्रू हम देखेंगे कि कौन के वो एटम कितने मौजूद हैं। ठीक है, अगर नंबर मौजूद नहीं है तो उसका मतलब है वो वन है। आफ्टर दैट वी हैव कंपाउंड। द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया NaCl। ठीक है, अब Na भी अलग है, Cl भी अलग एलिमेंट है, डिफरेंट है, तो ये कंपाउंड बन गया CuSO4। इसमें Cu अलग है, S अलग है, O अलग है, तीन डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो ये भी कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड के लिए लाजमी है कि जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है वो मुख्तलिफ हों, डिफरेंट हों। ठीक है, तो डिफरेंट होंगे तो कंपाउंड्स होंगे, अगर सेम होंगे तो मॉलिक्यूल्स होंगे। जो आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि CuSO4 इस वक्त मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, लेकिन कंपाउंड के लिए लाजमी है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट्स की मौजूदगी होगी। ओके, आफ्टर दैट वी हैव मिक्सचर। मिक्सचर में क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइन विदाउट एनी फिक्स रेशियो इज नोन एज मिक्सचर। अब ये कह रहा है कि दो एलिमेंट या दो कंपाउंड्स अगर वो फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं, यानी केमिकली कंबाइनिंग कर रहे हैं, बॉन्ड नहीं बना रहे वो, तो वो मिक्सचर बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिया था, दैट इज कि H2O, वाटर का हमेशा जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो H2O ही रहेगा। यानी वाटर को बनाने के लिए आपको दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये आपका फिक्स एक नंबर फिक्स हो गया कि आपको इतना रेशियो होगा तो ही वाटर बनेगा। अगला सपोज आप O में 2 डाल देंगे तो वो वाटर नहीं होगा, वो कोई और चीज बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये फिक्स रेशियो होता है, तो ये बनता है आपका कंपाउंड। अगर फिक्स रेशियो ना हो, ठीक है, फिक्स रेशियो ना हो तो फिर वो क्या बनता है, मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है, आपके पास फिक्स रेशियो नहीं होता, यानी कि लेट सपोज आप लीमू पानी बना रहे हैं तो कोई लीमू ज़्यादा पसंद करता है, कोई लीमू कम पसंद करता है। इसी तरीके से जब चाय बनाते हैं तो कोई चीनी ज़्यादा ही डालता है, कोई चीनी कम डालता है। तो यानी कि अगर फिक्स रेशियो नहीं है और फिजिकली कंबाइन कर रहे हैं, देन दे आर मिक्सचर। और मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, दो टाइप्स हैं आपके पास मिक्सचर के। Our next topic is relative atomic mass and atomic unit. सही है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे थे? That we're gonna study about relative atomic mass. The relative atomic mass of an atom is the average mass of naturally occurring isotopes compared to carbon C12. Relative atomic mass में क्या होता है कि हम लोग किसी भी atom के mass को, वजन को एक compare किया करते हैं उसको carbon C12 से। कार्बन के तीन टाइप्स होते हैं, C12, C13 एंड C14। यानी कि एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, एक का होता है 13 ग्राम और एक का होता है 14 ग्राम। उसमें से हम जो एटम के मास को कंपेयर करते हैं वो करते हैं उस कार्बन के साथ जिसका मास 12 हो, उसको हम C12 कहते हैं। तो जो भी हमारा मास निकलता है उसके कंपेरिजन के बाद, दैट इज नोन एज रिलेटिव एटोमिक मास। जब मास कैलकुलेट हो जाता है तो जो आंसर जो भी निकलेगा हमारा, वी यूज द यूनिट AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज द कंपैरिजन ऑफ द मासेस ऑफ एन एटम विद C12 कार्बन, और द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट विच इज डिनोटेड बाय AMU। ओके, एंड देन नेक्स्ट वी हैव फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है, एक केमिकल फॉर्मूला होता है इन विच द एलिमेंट्स, उनके जो हम लोग शॉर्ट हैंड यूज करते हैं, द शॉर्टकट्स एंड एब्रीविएशन जो यूज करते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू टाइप्स, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है कि हम लोग मिनिमम रिलेटिव नंबर्स निकालते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि जो भी फॉर्मूला गिवन है हमें
केमिकल फॉर्मूला, उसमें जो नंबर्स गिवन है उसके हम लोग रेशियो निकाल के उसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं, मिनिमम करते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दे दिया C6H12O6, तो इसमें उन्होंने क्या किया, CK के पास क्या है रेशियो 6, H का रेशियो क्या है 12, एंड देन O का रेशियो क्या है यहाँ पास 6. तो यहाँ पास रेशियो क्या आ गया, एक्चुअल रेशियो क्या आ गया, C6 रेशियो 12 रेशियो 6. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे लाइक 6 की टेबल लगा लेंगे सब पे, 6 टाइम 1 इज 6, 6 टाइम 2 इज 12, एंड 6 टाइम 1 इज अगेन 6. तो 1 रेशियो 2 रेशियो 1, तो ये बन जाएगा आपका CH2O. तो ये आप जब सिंप्लीफाई करते हैं रेशियो को, दैट इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला. और जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करते हैं, दैट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला. So that means empirical formula shows simplest ratio of each atoms present in a molecule. यानी कि जितने भी atoms एक molecule में मौजूद होते हैं उसको simplify करके simplest ratio जो होता है that is known as empirical formula. Empirical formula does not show the actual number of atoms in the molecule. वो actual number को show नहीं करता. Empirical formula tells us the type of element present in it. एम्पेरिकल फॉर्मूला से हमें ये जरूर पता चलता है कि कौन से एलिमेंट से वो चीज तैयार हुई है. ओके, सो वी हैव एम्पेरिकल फॉर्मूला. नेक्स्ट वी हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एटम मौजूद है और वो एटम कितने मिकदार में मौजूद है, कितने अमाउंट में मौजूद है, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिराइव फ्रॉम द एम्पेरिकल फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक वेट्स ऑफ इट्स एटम. यानी कि जो हम वजन निकालते हैं मॉलिक्यूल्स का, वो हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इस्तेमाल करके निकालते हैं. लाइक सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं C6H6 का, तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 का वजन होता है 12, H का वजन होता है 1. So 12 times 6 is 72 and 6 times 1 is 6. 72 plus 6 is 78. तो यानी कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का वजन निकालना चाह रहे हैं तो वी विल ऑलवेज यूज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज नहीं करते टू फाइंड द मास ऑफ द मॉलिक्यूल. एंड देन द थर्ड पॉइंट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला. कभी कभी एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मे बी सेम, कभी कभी ऐसा होता है, और अक्सर ये होता है कि उसका मल्टीपल होता है. लाइक यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया था C6H6, अब इसमें क्या होगा रेशियो आपके पास 6 रेशियो 6, वो सिंप्लीफाई होके 1 बन जाएगा. ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप लेट्स सपोज वाटर का निकालते हैं, या यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है CO2 का, तो ये आपका रेशियो क्या बनेगा, 1 रेशियो 2. तो उसमें क्या होगा, 1:2 और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. तो यहाँ पे देख ले, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम. इसी तरीके से ग्लूकोज का देख लेते हैं, CH2O, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6. सो डिफरेंट है हमारे पास, लेकिन अगर देखें, अगर आप यहाँ पे तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 टाइम 1 इज 6, 6 टाइम 2 इज 12, 6 टाइम 1 इज 6, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. तो यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी सेम, कभी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, और कभी कभी वो मल्टीपल होता है, यानी वो किसी का मल्टीपल बन जाता है वो. सही है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम हो सकते हैं, और कभी कभी वो मल्टीपल होते हैं. दोनों आपके पास यहाँ पे कैटेगरी गिवन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की. एंड देन वी हैव एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. द एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. Okay, so the atomic number of is number of protons present in the nucleus of atom of any element. Yani ke ek element ke andar kitne protons maujood hain, that would be the number, atomic number. It is represented by symbol Z. Yani Z se hum atomic number ko symbolize karte hain. All atoms of an element have same atomic number. Element koi bhi ho. Like hydrogen है, carbon है, oxygen है, element कोई भी हो, उसके अंदर जितने भी atoms होंगे सबका atomic number same रहेगा. यानी कि अगर जैसे हमने पहले example दे दिया carbon के, we have three different type of carbon, C12, C13 and C14.
लेकिन तीनों के अगर आप एटॉमिक नंबर लेंगे, तीनों का एटॉमिक नंबर वुड बी 6. क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन का नंबर तब्दील नहीं होता किसी भी एटम के अंदर. इस वजह से चाहे वजन तब्दील हो जाए, एटम का नंबर, जो प्रोटॉन का नंबर है वो सेम रहेगा. तो उस वजह से आपका जो एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का, डेट वुड ऑल्सो रिमेन सेम. फॉर एग्जाम्पल, इन ऑल ऑक्सीजन एटम्स दे हैव 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्यू टू दिस एटॉमिक नंबर इज 8. ऑक्सीजन में कोई भी आप ऑक्सीजन ले लें, चाहे आप पाकिस्तान का ऑक्सीजन ले लें, खैरपुर का ले लें, सिंध का ले लें, आप कराची का ले लें, हैदराबाद का ले लें, पंजाब के किसी शहर का ले लें, कहीं से भी आप ऑक्सीजन का एटम उठाएंगे उसका एटॉमिक नंबर वुड ऑलवेज बी 8. उसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑलवेज बी 8. फिर आता है हमारे पास एटॉमिक मास. एटॉमिक मास इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट. यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, दोनों का जो सम होता है, प्लस जो हम करते हैं, ऐड जो करते हैं, सम निकालते हैं, दैट इज एटॉमिक मास. अब उसमें क्या है, कह रहे हैं कि जो वजन होता है किसी भी एटम का, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो यानी कि जो एटॉमिक मास होता है दैट इज द सम, यानी कि प्लस या एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए एंड कैलकुलेटेड बाय ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन. जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है. सो एटॉमिक नंबर हमने कह दिया कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करता है. तो यहाँ पे जो एन है दैट शोज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और डेफिनेशन कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ऐड करेंगे तो हमें एटॉमिक मास मिलेगा. तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन. यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, लेट सपोज नाइट्रोजन एटम हैव 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओह सॉरी, 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना चाहिए इधर, क्योंकि डेफिनेशन कह रहा है इट शुड बी एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, सो नाइट्रोजन के पास 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं, 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हैं. तो एटॉमिक मास में हम लोग क्या करेंगे, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा हमारे पास. ओके, अब यहाँ पे उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12. यानी एक एलिमेंट गिवन है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 11 गिवन है and the number of neutron is 12. Find out its atomic number and atomic mass. अब atomic number की क्या definition है? Atomic number की definition है number of protons. तो number of protons हमारे पास क्या given है? 11. तो यानी हमारा जो atomic number हो गया वो क्या बन गया आपके पास? 11. Atomic mass की क्या definition है? The sum of protons and neutrons. तो उससे क्या बना के आपका जो atomic number mass क्या बना आपका? 11. प्लस 12 एंड दैट वुड बी 23. यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ शो किया, एज वी नो द एटॉमिक नंबर जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है तो एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 11. अब एटॉमिक मास उन्होंने कहा कि वो होता है एडिशन बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने गिवन है हमारे पास? 11. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने गिवन है? 12. सो हमारे पास क्या आ गया, 11 प्लस 12 दैट इज 23. और अगर आप पीरियड टेबल में देखेंगे तो ये आपके पास आता है सोडियम एंड ए. सोडियम के पास जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11 और उसका वजन होता है 23. सो दिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज सोडियम. नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एग्जांपल में उल्टा कर दिया. इस बार हमें कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग एटॉमिक मास 40 एंड एटॉमिक नंबर 20. यानी कि उन्होंने इस बार पहले उन्होंने क्या किया था हमें कि यहाँ पे उन्होंने हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर दे दिए थे और हमें कहा था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैलकुलेट करें. अब कह रहे हैं कि आपके पास एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड करें. अब डेफिनेशन क्या थी यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो क्योंकि जेड 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहाँ पास 20 होगा. तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज जेड, तो जेड की वैल्यू 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 होगा. फिर हमें यहाँ पे बता दिया गया था दैट एटॉमिक मास जो होता है वो जेड प्लस एन होता है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. हमें प्रोटॉन का नंबर पता चल गया 20 है, हमें एटॉमिक मास मालूम है 40 है. तो एन को यहाँ से जब हम
उसको रिमूव करेंगे यहाँ से यानी उसकी साइड्स तब्दील करेंगे तो ये आपका प्लस का जो साइन है वो बन जाएगा माइनस. सो दैट बिकम्स कि यहाँ पे जो जेड है हमारा जब मूव कर गया यहाँ इस तरफ दैट बिकम्स एन इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड. तो 40 हमारे पास गिवन था सवाल में, 20 भी गिवन था सवाल में, उसको माइनस करके 20 आ गया आपके पास. और अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो एटॉमिक नंबर जिसका 20 और मास जिसका 40 है दैट इज कैल्शियम, सी ए कैल्शियम. यानी उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल जो उन्होंने दिया था एलिमेंट का दैट इज सोडियम एन ए, जो सेकेंड एलिमेंट का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है कैल्शियम सी ए का. आफ्टर दैट वी हैव मॉलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास. मॉलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास मैथमेटिकली जो है ये इसका जो कैलकुलेशन का तरीका है दैट इज सेम. यानी जैसे हम मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं वैसे हम लोग फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इन केमिस्ट्री द डेफिनेशन इज अ बिट डिफरेंट. मॉलिकुलर में क्या होता है दैट वी कैलकुलेट द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अगर मॉलिक्यूल अगर हमें गिवन है और उसका मास निकाल रहे हैं, वजन कैलकुलेट कर रहे हैं, देन इट इज मॉलिकुलर मास. बट इफ यू आर फाइंडिंग द मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट यानी किसी कंपाउंड का हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड का फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका बन जाएगा फॉर्मूला मास. यानी केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या फर्क है, फॉर्मूला बन जाएगा आपका कंपाउंड का मास. यानी एक कंपाउंड का आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपाउंड का क्या वजन आ रहा है दैट इज फॉर्मूला मास. लेकिन अगर आप एक मॉलिक्यूल का फाइंड करने की कोशिश करेंगे सो दैट वुड बिकम मॉलिक्यूलर मास. सो यानी एक वर्ड का फर्क है सिर्फ. मॉलिक्यूलर क्या है, द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. यानी एक मॉलिक्यूल का क्या वजन बनता है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास. बट फॉर्मूला मास क्या है, द आयनिक कंपाउंड व्हिच फॉर्म्स क्या है, फॉर्मूला मास कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास. ठीक, आप फॉर्मूला यूनिट बोलें या कंपाउंड बोलें इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग. ओके, सो यानी कि डिफरेंस इज ओनली बिटवीन दैट मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, फॉर्मूला मास इज द मास ऑफ अ कंपाउंड. लेकिन तरीका कैलकुलेशन जो करने का तरीका है आपका दैट इज मैथमेटिकली सेम, तरीका सेम है. जैसे उन्होंने यहाँ पे फाइंड करने को कहा है दैट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3. ओके, सो HNO3 में हमें पता है H हमारे पास सिंगल एटम है, N मेरे पास सिंगल एटम है, O 3 एटम्स है मेरे पास. ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया, अब H का वजन क्या है 1, N का वजन क्या है 14, O का वजन है 16. उसी बात क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करेंगे विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी कि एच में जो सॉरी नंबर ऑफ एटॉमिक मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स. अब एच के पास क्या है, 1 एटम है, ना आगे कोई नंबर गिवन है ना पीछे, ना लेफ्ट में कोई नंबर गिवन है ना राइट में. सो द नंबर ऑफ एटम इन हाइड्रोजन इज 1. इसका वजन क्या है, 1 amu. सो 1 टाइम 1 इज 1. एन के अगेन लेफ्ट में भी कोई नंबर नहीं है, राइट में भी कोई नंबर नहीं है, सो द नंबर ऑफ एटम्स इज 1. तो यहाँ पे 1 हमारे पास नाइट्रोजन आ गया, एंड देन नाइट्रोजन जो है वजन होता है 14 amu. सो 1 टाइम 14 इज 14. ओके, राइट में वी हैव 3, सो दैट मींस वी हैव 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो दैट वुड बिकम के ओ का मास जो है वो 16 होता है. सो 3 टाइम 16 इज 48. उसके बाद हम ऐड कर देंगे 1 प्लस 14 प्लस 48, दैट वुड बिकम 63 amu. अब चाहे यहाँ पे मॉलिक्यूलर लिखा हुआ होता, चाहे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ होता, चाहे यहाँ पे मोलर मास लिखा होता, उससे फर्क नहीं पड़ता. किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल के तरीका क्या होता है कैलकुलेशन फाइंड करने का, देन हम लोग नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके मास से, एटॉमिक मास से. ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद सबको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आखिर में यूनिट amu यूज करेंगे. ओके, देन वी हैव द सेकंड एग्जांपल, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 3. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कंपाउंड गिवन है तो दे हैव यूज फॉर्मूला मास. अब देख लेते हैं Al के, देखें राइट पे हमारे पास है 2 एटम्स, सो हमने लिख दिया कि Al हैज 2 एटम्स. अब Al का मास है 27, सो वी यूज 27 लिख दिया हम लोगों ने. अब S के राइट पे देखें कोई नंबर नहीं है, बट ब्रैकेट के बाहर वी हैव 3. सो जब नंबर नहीं होता वी विल कंसिडर इट एज 1, एंड देन क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वी हैव 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3. यानी मैथमेटिक्स में अगर आपके पास ब्रैकेट गिवन होता है और कोई भी आपके पास ऑपरेशन यानी कोई साइन गिवन नहीं होता, सो वी कंसिडर इट मल्टीप्लीकेशन. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 टाइम 3 इज 3.
एंड देन ओ के देख लें, ओ के राइट में वी हैव फोर, एंड अगेन ब्रैकेट के बाहर वी हैव थ्री, सो फोर टाइम थ्री इज 12, यानी एस के थ्री एटम्स हो गए, ओ के 12 एटम्स हो गए. एस का मास है 32, सो वी हैव रिटन 32, ओ का मास है 16, तो उसका बस 16 कर दिया. अब हम लोग क्या करेंगे, उसका मास निकालेंगे पूरे फॉर्मूला का. सो एल का है हमारे पास 27, 27 टाइम 2 इज 54, एस का मास है 32, 32 टाइम 3 इज 96, ओ के एटम्स है 12 एंड देन मास इज 16, 12 टाइम 16 इज 192. जब हम इस सबको ऐड करेंगे इट वुड बिकम 342. एक चीज का ख्याल रखिएगा, व्हेन यू विल ओपन योर बुक, यहाँ पे जो है जब एस का वो लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे एस का, तो 3 टाइम 32 तो लिखा हुआ है बुक में, बट इंस्टेड ऑफ 96 दे हैव प्रिंटेड 69, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन में उनकी मिस्टेक थोड़ी सी आई हुई है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी. सो व्हेन यू गोना राइट 3 टाइम 32 इट्स 96. ओके, तो ये आप अगर बुक से, अगर बुक आपके पास है इस वक्त, सो यू कैन मेक द करेक्शन ऑन योर बुक. और इन केस आर यू आर कंफ्यूज कि मैंने 27 क्यों यूज किया है जबकि बुक ने 26.98 यूज किया है, दैट इज बिकॉज 26.98 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो 27 निकलेगा. अगर आपके पास यूजुअली जो है पेपर्स के अंदर जो है आपको गिवन होता है कि आपको क्या मार्क्स कंसिडर करना है, अगर मार्क्स 26.98 है तो आप 26.98 ही कंसिडर करेंगे. अगर आपके पास नहीं है लिखा हुआ कोई नंबर, सो यू यूजुअली हैव टू अप्रोक्सीमेट, आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो. 26.98 का राउंड ऑफ क्या होता है, 27. सो आई हैव यूज्ड 27 इन माय कैलकुलेशन. ओके, नाउ फॉर योर होमवर्क. फॉर योर होमवर्क यू हैव टू फर्स्ट आंसर दिस टू क्वेश्चंस ऑफ योर टेस्ट योरसेल्फ. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफरेंशिएट, उनके बीच में जो फर्क है वो किस बुनियाद पे है. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट यानी किस बुनियाद पे उन दोनों में फर्क रखा गया है वो आपको बताना है. आप दोनों की डेफिनेशन लिख के भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली जो है बता सकते हैं डायरेक्टली. ओके, सो यू हैव टू गिव मी द डिफरेंस के एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक फार्मूला किस बुनियाद पे डिफरेंस रखा गया है. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई फार्मूला मास एंड मॉलिकुलर मास आर कैलकुलेट सेपरेटली वाइल प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन सेम, यानी कि फार्मूला मास और मॉलिकुलर मास को सेपरेट यानी डिफरेंट कहा गया है जबकि उनके कैलकुलेशन करने का तरीका सेम है. कैलकुलेशन क्या है कि हम लोग नंबर ऑफ एटम देखते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके मास से, जितने भी इसके कैलकुलेशन हो जितने भी हम लोगों ने मास को मल्टीप्लाई कर लिया नंबर ऑफ एटम से, उनको हम ऐड कर लेते हैं आखिर में. तो जब कैलकुलेशन सेम है तो दोनों को मुख्तलिफ डिफरेंट क्यों कहा गया है, तो ये दो क्वेश्चन आपको जो है अपने केमिस्ट्री कॉपी में आंसर करने होंगे. एंड देन आपको ताकि प्रैक्टिस हो सके यू हैव टू ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. Calculate the formula mass of the following Al2O3, MgCl2, NaCl, KNO3. इन चारों का फॉर्मूला मास निकालना है. एंड देन कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग C2H5OH, H2O, NH3 एंड CO2. 2 एंड 3 आपको न्यूमेरिकल्स गिवन है सेक्शन डी का, उसका आपको सॉल्व करना होगा बाकायदा प्रैक्टिस के साथ. यू हैव टू गिव द डेटा, यू हैव टू गिव द टू फाइंड एंड यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन प्रॉपरली. ओके, और इसके अलावा आपके पास क्या है जो दो क्वेश्चन हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में जो डिफरेंस रखा गया वो किस बुनियाद पे है, और वो जो डिफरेंट है तो वो डेफिनेशन की बुनियाद पे डिफरेंस रखते हैं लेकिन कैलकुलेशन सेम है, ऐसा क्यों है. यानी यू हैव टोटल 4 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क. खुदा हाफिज़.